उत्तर प्रदेश की अमेठी में आज संसद खेलकूद प्रतियोगिता 2023 के समापन समारोह में बीजेपी की बड़ी ताकत दिखाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में वर्चुअली माध्यम से जुड़े और खिलाड़ियों को उन्होंने शुभकामनाएं दी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने कहा कि इस लोकसभा से चुनकर लोगों ने देश पर अपनी सत्ता जमाई। पिपरी गाँव में नदी के कटान से सैकड़ों किसानों की जमीन बह गई, लेकिन न साइकिल काम आई और ना ही हाथ वाले काम आए। स्मृति ईरानी ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने वहां बांध बनवाया है। अमेठी वर्षों बरस तक अंधेरे में रहा, लेकिन आज 1,23,000 घरों में बिजली मिल रही है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक सामान्य परिवार में जन्मी एक बेटी जो खेल के मैदान में अपना जौहर दिखाती है, उसे पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। यह इतिहास में पहली बार अमेठी के तब संभव हुआ जब हमारे देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी बने। मैं आपके और मुख्यमंत्री जी के मध्य में, आपने देखा होगा, यही सिलसिला आगे बढ़ा फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से, और फिर तीसरे संस्करण के रूप में सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। यह एक नया अनुभव था, और गत 3-4 वर्षों से आप देख रहे होंगे हर संसदीय क्षेत्र में आयोजन होते हैं, गांव से लेकर के न्याय पंचायत स्तर पर, स्कूल से लेकर के कॉलेज स्तर पर, और पूरे संसदीय क्षेत्र के एक एक खिलाड़ी को विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ